आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं हम कौन सी होली खेलते हैं भाई। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो, जहां श्वेत धजा फर्रा वे राम रंग होरी हो। सतलोक में अरस कुरस पर श्वेत गुमट है जहां सतगुरु का डेरा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 996 के मंत्र 18 में आपको दिखाया कि वो परमात्मा उस तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है और वहाँ एक बहुत सुंदर सफ़ेद गुमट के अंदर गुमज उसमें रहता है, बहुत बड़े गुमज में उसका। यही आप गरीबदास जी कह रहे हैं गुमट। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत धजा फर्रा वे राम रंग होरी हो। उसके ऊपर सफेद धजा परमात्मा का झंडा फहरा रहा है। बुद्धि बाणी से अगम है रंग होरी हो, सुरत नृत जहाँ ला वे राम रंग होरी हो। अब चले हैं नीचे से सभी शरीर के बताने लगे हैं। नाभि कमल बर्मा भये रंग होरी हो, ये सर्जे विष्णु महेश राम रंग होरी हो। त्रिगुण माया बिस्तरी रंग होरी हो, और सकल परवेश राम रंग होरी हो। चंद सूरज पानी पवन रंग होरी हो, कच्छ मच्छ कूरंब राम रंग होरी हो। ओम मंत्र आदि है रंग होरी हो, ये रचे सकल आरंभ राम रंग होरी हो। तीन गुणन पर तखत है रंग होरी हो, पांच तत्व पर काश राम रंग होरी हो। सुर नर मुनि जन देवता रंग होरी हो, सावतरी और गौरी राम रंग होरी हो। लक्ष्मी विष्णु के संग है रंग होरी हो, कमलापति में बवर राम रंग होरी हो। किन्नर भूत पिशाच है रंग होरी हो, दान्य अंत अपार राम रंग होरी हो। राक्षस का रासा कहूँ रंग होरी हो, रचे सकल परिवार राम रंग होरी हो। गण गंधर्व ज्ञानी गुणी रंग होरी हो, चतुर्मूढ़ अनंत राम रंग होरी हो। ओम नाद अगाध है रंग होरी हो, अजब नवेला कंत राम रंग होरी हो। लख 84 जाति है रंग होरी हो, ये चार खानी के जीव राम रंग होरी हो। अनरज जेरज उद्बुदा रंग होरी हो, श्वेत खान रचि पीव राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी कि ये सभी राम नाम की होरी यानी भगवान को पाने की ट्राई कर रहे हैं। सावित्री, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण जी, शंकर भगवान और सभी देवता ये सभी मालिक को चाह रहे हैं, पर इनको रास्ता ठीक मिला नहीं। आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, एक देही में दो राम रंग होरी हो। सतगुरु मेला करत है रंग होरी हो, चलो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। दिल की अंदर द्वीप है रंग होरी हो, वो अगम भूमि स्थान राम रंग होरी हो। सुन सरोवर हंस मन रंग होरी हो, वहाँ खेल फाग बसंत राम रंग होरी हो। कहते सुन सरोवर में यानी ऊपर सुन शिखर में एक सरोवर है, मान सरोवर है, और वहाँ सभी आत्माओं का पति वो एक दुल्हा यानी सतपुरुष
वहाँ परमात्मा है, उसके साथ हम सब होली खेलेंगे या नकली दुल्हों के साथ हम होली खेलते हैं। बहुत दिन बीत गए। क्या बताते हैं, सोन सरोवर अंस मन रंग होरी हो, वहाँ खेल है फाग बसंत राम रंग होरी हो, विष्णु शंकर से खेल ही रंग होरी हो, ये सुर नर मुनि जन संत राम रंग होरी हो, वो दुल्हा साहेब एक है रंग होरी हो, ये दुल्हन शंख असंख राम रंग होरी हो, घाट बाट इनको पावे नहीं रंग होरी हो, वो अवगत मार्ग बंक राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं कि सभी ये ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी उस परमात्मा से होली खेलने के लिए फिर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और वो दुल्हा एक है सतपुरुष जिसको सभी खोज रहे हैं, और दुल्हन संख असंख राम रंग होरी हो, वो दुल्हा साहेब एक राम रंग होरी है, यानी उसी से खेलने बात बनेगी, उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने से आपका जीवन सफल होगा, इसका कहने का तात्पर्य। आप किसी अन्य के साथ होली खेलते हो, जैसे एक तो इस यहाँ का जो त्यौहार होली, इसका इससे मिलता जुलता एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आप जी अपने पति के साथ होली खेलती हैं या कोई और नाती से खेलते हैं, कहते हैं कोई तो ब्रह्मा जी को इष्ट मान कर उसके उसकी पूजा कर रहा है, उसके होली खेल रहा है, कोई विष्णु जी से खेल रहा है, कोई शंकर जी से खेल रहा है, कोई हनुमान जी से खेल रहा है, कोई श्याम जी से, और कोई भैरव भूत बतालों से, कहते तुम इन से होली खेल रहे हो, इसे कोई यूज नहीं, वो एक है होली खेलने जोगा सतपुरुष, उस तरह खेलो होली, ये नकली होली, इन गिला खेलते बहुत दिन हो गए, ये विनाशवान, तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञान दाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तू ये मत समझे कि तू और मैं और ये सभी राजा पहले ना जन्मे थे या आगे जन्म नहीं होगा, अर्थात तू और मैं और ये सभी सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा। 10वें अध्याय के 2 श्लोक में गीता में कहा, गीता ज्ञानदाता ने, कि मेरी उत्पत्ति को न ये देवता जानते न ऋषि जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं, तो पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताया करता है, तो इस काल की उत्पत्ति परमात्मा कबीर परमेश्वर जो सबका बाबा सबका दादा सबका जनक है, उसने आके बताया कि इसका भी जन्म होता है। तो ये खुद कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तो सर्वभाव से उसकी शरण में जाओ, उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उस दुल्हे की ऊपर सतलोक में साकार परमेश्वर की गरीबदास जी आंखों देखा क्या बता रहे हैं, सवेत गुमट सर से हेरा रंग होरी हो, सफेद गुमट और सर पर सेरा, जैसे दुल्हा का सेरे हुआ करे मुकुट है मालिक का, श्वेत गुमट सिर से हेरा रंग होरी हो, और जलक किरण अनंत राम रंग होरी हो, सुन सलैली सैल है रंग होरी हो, पावन अटक पपील राम रंग होरी हो, कौन जुगत से पाई ये रंग होरी हो, सतगुरु के उपदेश राम रंग होरी हो। अब कहा कि कैसे उसको प्राप्त करें, कौन युगत से कौन साधना से उसको पावें, क्या युक्ति है उसके पाने की, उत्तर भी आप ही दे दिया कि सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो, कि सतगुरु मिले और फिर वो आपको उपदेश दे। पुण्यात्मों ये अभिमान ना समझना, यथार्थ ज्ञान जानना कि इस पृथ्वी पर सतगुरु नहीं, इस दास के अतिरिक्त, और सतगुरु बिना मोक्ष नहीं।
अब ये झूठे गुरु भी हैं और ये अपने आप को सतगुरु भी कहलाते हैं, तो सतगुरु के कहने से, फीत लगाने से सतगुरु नहीं होते। जैसे कबीर परमेश्वर कहते हैं, खर ना हो वह के हरि कब हो, सिंह की खाल उड़ाएं। यदि गधे ने शेर की खाल उड़ा दे, वो शेर नहीं बन सकता, शेर जैसा जरूर दिखाई देता है। एक कुमार शरारती सा था, उसने किता एक शेर मरिया पा गया, उसकी खाल तार ली, अपने गधे पर डाल दे और खेतों में छोड़ दे। खेतों में रखवाले रहते थे फसल के। वह चांदनी रात में उन्हें देखा कि वायु कौन आ गया, पहले से सोचा कोई पशु आ गया, चल लठ लेकर गए। इतनी दूर से देखा चांदनी में शेर है, वायु सारे ने डांक ठोक दी, भाग गए गाँव में। अब वो छक्के खा के खेती अपने सामने, सुबह सुबह वक़्त से कुमार फिर आके ले जाए उसने। ऐसे कई दिन बीत गए, बहुत सा नुकसान भी हो गया। तो वो कहने लगे, अब गांव में चर्चा चली, आसपास के गांव में भी चर्चा गई कि भाई एक शेर आवे है और खेती घना नुकसान करे। और तो एक कुमार ने सुन ली, उसने सोचा भाई शेर खेती तो नहीं खा सकता, फसल तो खाता ही नहीं वो। फिर वो समझ गया कोई कुमार की जालसाजी है। उसने कहा भाई उस शेर को की पहचान तो मैं करवा दूंगा। तो गांव वाले बोले भाई कैसे, कि मेरे साथ चलो। बुरख वाले बोले ना भाई, रात के समय हम नहीं जाओ। उसने उनको समझाया बुझा के, तुम वृक्षों पर चढ़ जाइयो और मैं भी तेरे साथ चढ़ जाऊँगा, कुछ लीला करना चाहूँ, मेरी सहयोग दो। चल भाई, वो अपने पाँच चार गधे आके ले गया उड़े और वो छोड़ दिए फसल तो बाहर बनी में थोड़ी सी दूरी पर, और वो चढ़ गए वृक्षों पर। अब उसको भी डाउट था कि सचमुच शेर हो। तो थोड़ी सी देर में वो शेर आ गया, सब लोगों को देखो वो आ गया, वो खाने लग रहा खेती, फसल खाने लग गया। अब थोड़ी सी देर में वो गधे जो थे, उन्होंने भरे सुर अपने लागे हर हर कर हो। तो उधर से वो शेर का भी उठी कोकू की, वो भी ला गया वहाँ से, हुचू हुचू करता हो उड़े आ गया। और वह खाल खोल उतर गई पड़गी कितना हो, उड़े भाईचारा माँ के खड़ा हो गया। तब वो उनकी मत्स्य बदी कुमार ने तो पहचान दिया, कति सागी गद आए है, नीचे उतर का आया नो बोला यूरा थारा शेर भाई। फिर वो जिस कुमार का गदा था उसको फिर पंचायत ने दंड लगाया, बेतने या केस हो ची नालायक, कितना नुकसान कर दिया, तू ले लेता थोड़ा बहुत तूड़ा इसकी खातर, घुस ले लेता हमारे से चारा। तो कहने का भाव ये है कि गधे और शेर का बोली तो बेरा पटेगा, सतगुरु का पता नकली और असली का इस ज्ञान से पता चलेगा। ये बोली है, बोली से पता चलेगा कौन सतगुरु है, कौन सतगुरु नहीं है, कौन नकली है, कौन असली है। अब क्या बताते हैं, खेचरी बूचरी चाचरी रंग होरी हो, खेचरी बूचरी चाचरी रंग होरी हो, और अकल अगोचर दान राम रंग होरी हो, उन मनी घर आसन करो रंग होरी हो, वो पावे पद निर्वाण राम रंग होरी हो, द्वादश दल में पैठिए रंग होरी हो, उल्टा नाभ समोवे राम रंग होरी हो, त्रिकुटी भंवर गुंजार ही रंग होरी हो, और स्वर्ण कलश को भय रंग होरी हो, अमृत धारा बरस ही रंग होरी हो, ये पीवन संत सुजान राम रंग होरी हो। फिर क्या बताते, नाम की सरवर ऐ नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचार राम रंग होरी हो। कहते हैं कि ये चाचरी बूचरी खेचरी उनमनी, इनसे मालिक प्राप्ति नहीं है, नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, यानी नाम की बराबरी कुछ नहीं कर सकता, नाम से जो लाभ होगा।
नाम की सरबर है नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचार राम रंग होरी हो। यानी जिसके पास वो मूल मंत्र है, मूल ज्ञान है, मूल नाम है, उससे लाभ होगा। फिर बताते हैं, काल कर्म का नाश कर रंग होरी हो, अजप्पा जाप जप राम रंग होरी हो। अजप्पा श्वास उश्वास से, पान अपानम भेव राम रंग होरी हो, तन मन की जपेश राम रंग होरी हो, श्वासा सुमरण की जिये रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो। कहते श्वासा सिमरण कीजिए, श्वास उश्वास से सिमरण कीजिए, ऐसे प्रवेश होगा उस महल में जहाँ सब सखियों का दुल्हा रहता है। श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो, नाम की सरोवर है नहीं रंग होरी हो, होता मूल उचार राम रंग होरी हो, काल कर्म का नाश करे रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपंत राम रंग होरी हो, ओम सोहम नाद भरे रंग होरी हो, ये परख नवे लाकंत राम रंग होरी हो। ये सतनाम बताया है कि इससे उस नाम के द्वारा श्वास उश्वास के सिमरण जप्पा जाप से उस सतलोक में जाया जाएगा। मन राजा खेलन चला रंग होरी ओ, तिरबेणी के तीर राम रंग होरी हो, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, परपटन की सैल राम रंग होरी हो, पाव नाटक पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो, जावा महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो, चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर याम नहीं रंग होरी हो, वो रहे सतलोक में राम राम रंग होरी हो। इसमें क्या बताया है कि इन तुम चारों वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा मिले। कबीर साहब कहते हैं, वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। वो वेद कौन सा है? सूक्ष्म वेद। उसमें परमात्मा के पाणी का विधान सतनाम लिखा है क्लियर। इन वेदों में वो सतनाम नहीं है। परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने फिर भी गुप्त छिपाए। कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, वहाँ स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो, तारंग मंत्र ली जिये रंग होरी हो। तारंग मंत्र पार करने वाला मंत्र ले ले, कौन सा? तारंग मंत्र ली जियो रंग होरी हो, यो सतनाम का नाद राम रंग होरी हो, वो सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो, सोहम ऊपर ओर है रंग होरी हो, सत सुकृत एक नाम राम रंग होरी हो। कहते हैं सोहम से ऊपर भी एक और नाम है जिससे मोक्ष होगा। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो मूल मंत्र पावे राम रंग होरी हो। कहते इन मंत्रों से भी अलग वो एक और सार नाम है, मूल मंत्र है, वो नहीं मिलाते, ये भी यूजलेस है। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोहम मुक्ता संद राम रंग होरी हो। अपनात्मों, ये है सूक्ष्म वेद जो इस चारों वेदों से भी जटिल ज्ञान है। हर सिंपल लैंग्वेज में ज्ञान का और लैंग्वेज का कोई मेल नहीं होता। वही ज्ञान किसी भी लैंग्वेज में हो पर उस ज्ञान के का जानकार तत्वदर्शी संत हो,
वो सब साफ कर लेता है, समझ लेता है। यहाँ कहा है कि जो ओम मंत्र है, जैसे श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामन समन ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। और जो इसका अंतिम सांस तक सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से होने वाली परम गति है। ओम से कौन सी परम गति होगी? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा, ये ब्रह्म की का जाप है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में है, जन्म मृत्यु होता है, ये पूर्ण मोक्ष नहीं होता। फिर ये कहता है कि तू सर्व भाव से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में गीता जी अध्याय नंबर 2 के 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के 2 में, और फिर 15वें अध्याय के 1 से 4 का निष्कर्ष है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है ये, इसके सभी विभाग जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। फिर बताया है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस परमेश्वर के पाणी का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाणी का मंत्र बताया है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन उस तत्परम से परिचित, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सब कर्मों से परिचित प्राणी साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। 8वें अध्याय के 1वें मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने प्रश्न किया, फिर किम तत्परम पुरुषोत्तम, के हे कृष्ण वो कौन है फिर तत्परम, बता मेरे को। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सर्वपुरुष एक अक्षर पुरुष। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान, जीवात्मा किसी की नहीं मरती, अंडरस्टूड है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, और परमात्मा इति उदारते, ये लोग तेरम आविश्य विवर्ती अवे ईश्वर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तीसरा सर्वपुरुष अक्षर पुरुष तो 16वें श्लोक में, और उत्तम पुरुष इन 16वें श्लोक में वर्णित दोनों सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, वो परम अक्षर, वो उत्तम पुरुष, वो है परम अक्षर, परम अक्षर ब्रह्म जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा, और वही परमात्मा कहलाता है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा परमेश्वर। तो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इन 3 पुरुषों का मंत्र न्यारा न्यारा बताया है। अपुण्यात्माओं, हमने जैसे जल पाना है, जल पाना है, हम पूजा जल की कर रहे हैं, वो कैसे मिले, कौन से औजार हैं जो जल प्राप्त हो? जमीन में जल है तो हैंडपंप लगाने का सारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारे लाने पड़ेंगे, और फिर वो कोई पूजा नहीं कर रहे हमें, वो तो हम पूज्य वस्तु को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी साधना कर रहे हैं। तो उस परम अक्षर ब्रह्म को यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत् सत यानी उस सतलोक में जाने का, उस परम पद में, परमेश्वर के उस परम पद में जाने का, जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, वो ये साधन है, ये साधना है, ये ओम तत्सत कोई पूजा नहीं या मजदूरी है उस जल के पाने के लिए। ओम ब्रह्म का, सर्वपुरुष का,
इस ओम नाम के जाप से 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये ब्रह्म गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता कि सर्व धर्मान परितज्माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की जो पूजाएं हैं ब्रह्म सतर की उनको मुझे छोड़ दे, और उस एकम माने उस सर्वशक्तिमान जिसका बराबर दूसरा नहीं है उसके पास जा, फिर मैं तुझे सब पापों को छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। इब हमने किसी का कर्जा ले रखा, कर्जा उतरा नहीं तो उसने मजदूर बना लिए, और हमारा किसी अच्छे साहूकार से जो है ना मेल हो गया और उसने उसका कर्जा दे दिया, अगले भाई छोड़ इसको मैं ले जाता हूँ, वहाँ मजदूरी करें, तेरे वहाँ बैठा दिया पंखे के तले नीचे कलम दिवा के, ले बेटा कराड़े बढ़िया नौकरी दोगुना दूंगा तनख्वाह तुझे, तो वो आप पे छोड़ देगा, फिर मजदूरी नहीं कराएगा, उसका पैसा मिला। तो हम ओम नाम के जाप को, ब्रह्म के जाप को ब्रह्म लोक में नाश कराते थे इस कमाई को, और ये पांचों यज्ञ जो करते थे ये भी यही उसी ब्रह्म लोक में खा लेते थे देवता बन के। तो अब हम इस ओम इन मंत्रों के प्रतिफल में कुछ नहीं लेंगे, इस तरह इसकी पूंजी नो की नो दे देंगे, अक पकड़े अपनी तो छोड़ मारा पीछा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है कि गीता ज्ञानदाता कहता कि मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सब पूजा मुझे छोड़ दे, उस एक जिसके बराबर दूसरा नहीं, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। अरे इन्होंने व्रज माने आना कर रखा सारे अनाड़िया ने, किसी ने कख का पता नहीं था, सारा सदग्रंथों का अनर्थ कर डाला, भोली जनता को गुमराह कर दिया। और इंग्लिश वर्ड का अर्थ गो हो, कोई उसका अर्थ कोई कम कर दे, आना कर दे, कितनी बुद्धिमता करी उसने। वर्ज माने जैसे गो माने जाना होता है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका किसी सेंटेंस को ना समझ के अनुवाद करता उसका अर्थ आना करता है तो वो महामूर्ख है। किसी भी सरकमस्टांस में गो बीन कम आना नहीं हो सकता।